योगी सरकार का दावा है कि पुलिस पर जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा, लेकिन क्या इस दावे से कुछ बदला? पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, पुलिस वालों की जान लगातार जा रही है। संभल में अपराधी कोर्ट ले जाते वक्त फरार हो जाते हैं, अपराधी पुलिस वालों की हत्या कर यूपी पुलिस को चैलेंज करते हैं। हालांकि कुछ दिनों में तात्कालीन एसपी यमुना प्रसाद की टीम ने अपराधियों को मार गिराया था। ऐसी घटना पर सीएम को गुस्सा आता है और एनकाउंटर में अपराधी मारे जाते, लेकिन क्या हालात बदल गए? क्या पहले तुम मारो फिर हम मारेंगे की नीति बदल सकती है तस्वीर? हमारा सवाल है कि पुलिस वालों की सुरक्षा की बात कब होगी? या प्रदेश में पहले तुम ठोको फिर हम ठोकेंगे की नीति ही चलेगी? क्या इससे प्रदेश की तस्वीर बदल जाती है? हम इसकी पड़ताल करते हैं और सबसे पहले बात संभल की करते हैं। अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन पुलिस वाले अपनी नौकरी करते हैं। अपराधियों को कोर्ट ले जाते वक्त दो पुलिस जवानों की हत्या आज भी संभल को याद है, लेकिन उस घटना के बाद ऐसा लगा था कि पुलिस वालों पर कभी हमला नहीं होगा, लेकिन ये सोच गलत थी। उसके बाद कानपुर की घटना में सीओ सहित 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की जाती है। विकास दुबे जैसे अपराधी को सपोर्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि विभाग के ही दारोगा थे। पुलिस पे गोली चलाई तो योगी सरकार की पुलिस ने भी गोली चलाई और विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन क्या विकास दुबे हत्याकांड के बाद यूपी में पुलिस सुरक्षित हो गई? सीएम ने कहा था ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से फिर कभी अपराधी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। विकास दुबे का एनकाउंटर इतनी चर्चा में आया कि इसे पूरी दुनिया ने देखा। देश में ये सबसे बड़े लोकप्रिय एनकाउंटर के तौर पर देखा गया। दुनिया की मीडिया ने भी इस घटना की चर्चा की, लेकिन क्या सब बदल गया? सरकार ने उस वक्त ये दावा किया था कि अब पुलिस पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन ये दावा महज एक दावा रहा, क्योंकि इसके लिए कोई पुख्ता तैयारियां सरकार की तरफ से नहीं हुई। कानपुर के घटना के बाद ऐसा लगा कि सरकार पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव करेगी, लेकिन जो कुछ भी बदला उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बारी आती है कुशीनगर की। कुशीनगर की ये तस्वीर आप देखिए। पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को अपराधियों ने घेर लिया। किसी तरह से पुलिस को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा। मामला इसी साल 5 जनवरी का है, जब पूरा गांव पुलिस वालों की जान लेने पे उतारू हो गया था। लाठी डंडे ईंट पत्थर पुलिस वालों पे बरस रहे थे। में पुलिस पर हमला होता रहता है, यहाँ पुलिस अगर सही प्लानिंग करके ना जाए तो कभी भी पुलिस पर हमला हो सकता है। ऐसा ही तब हुआ जब कुछ पुलिस वाले एक गांव में एक जमीन के मामले में कब्जा दिलाने गए थे और पूरा गांव उन पर हमलावर हो गया था, जिसके बाद पुलिस वालों को भागकर जान बचानी पड़ी थी। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस वाले अपनी जान नहीं बचा पाते और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। कासगंज की घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस पर शाहजहांपुर में हमला हुआ। हालांकि पुलिस वाले अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ये हमला तब हुआ जब कासगंज के हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। सीएम योगी एक्शन में थे, लेकिन उसका असर क्या हुआ इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बाद ही एक और हमला पुलिस वालों पर हो गया। शाहजहांपुर पुलिस पर ऐसे ही हमले होते रहे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पुलिस सुरक्षित नहीं है। पुलिस हमें और आपको सुरक्षा देने का दावा जरूर करती है, लेकिन पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है। शाहजहांपुर की घटना में बेशक पुलिस वालों की जान बच गई हो, लेकिन आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी इस बात का दावा करना पूरी तरह गलत होगा। शाहजहांपुर की घटना में बेशक पुलिस वालों की जान बच गई हो, लेकिन आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी इस बात का दावा कौन करेगा? या ये दावा पूरी तरह गलत होगा? यानी कासगंज की घटना से पहले कई बार ऐसी घटना हुई जो यूपी पुलिस की सुरक्षा पे सवाल खड़ा करता है। कासगंज में जो हुआ वो दावा करता है कि पुलिस वाले भी इंसान है और उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो बाद में गोली चलाएगी, लेकिन पहले गोली तो पुलिस को ही खानी पड़ती है। कासगंज घटना में एक पुलिस वाले की जान चली गई है और एक पुलिसकर्मी अभी गंभीर रूप से अस्पताल में घायल है। इस पूरी असफलता के पीछे कासगंज पुलिस के कप्तान का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में अभी कोई बात करने को तैयार नहीं। संभल से फिरोज आलम, कानपुर से अशोक कुमार, कुशीनगर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी, शाहजहांपुर से अमित सक्सेना के साथ कासगंज से सोनू दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट।